फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ सोलार इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। शेयर कैपिटल ऑथोराइज 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 10 लाख इश्यूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच रिजर्व जनरल रिजर्व प्रॉफिट अलाउंस सिक्योरिटी प्रीमियम 11% डिबेंचर बैंक टर्म लोन और क्रेडिटर्स असेट पे आ जाओ इक्विपमेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लोन्स इन एडवांस ट्रेड रिसीवेबल ये सबसे अपने को फिलहाल मतलब नहीं रहता अपने को तो खाली बायबैक से द कंपनी डिसाइडेड टू बायबैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस अंडरलाइन करो मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस मतलब यहाँ पर हमें ऑफर प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया है मतलब हमें ऑफर प्राइस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे हमें 4 स्टेप की तरफ जाना ही नहीं हमको कितने स्टेप में जाना है 3 स्टेप में क्लियर है क्या माय डियर देखो सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में दिया है क्या हाउ मच 2 लाख जनरल रिजर्व दिया है सर कितना 4 लाख प्रॉफिट एंड लॉस 6 लाख तीनों का टोटल करेंगे बेटा कितना आएगा देखो कभी कभी क्या होता है मैं स्टेप अभी जो मैंने क्या बोला तुमको सबको नहीं आ रहा है तो मैं क्या फॉर्मेट रेडी करके रख देने का फॉर्मेट रेडी करके रखने का जहां पे इक्विटी इक्विटी के नीचे प्रेफरेंस और सोर्स है प्रेफरेंस है तो लिख नहीं है तो डैश में सिंपल सी बात है ना ऐसा फॉर्मेट लिख के रखा तूने घर पे बैठे बैठे तारक मेहता देखते देखते सीरियल देखते देखते 5-6 फॉर्मेट बना लिया तो तेरे को कंडीशनल टेबल याद हो गया अब दूसरे क्या करने का है वैल्यू क्या करना खाली फिल इन द ब्लैंक्स जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये एक और एक तरीका है जहां पर आप कम से कम टाइम में ज्यादा कर सकते हैं 25% ऑफ ओन फंड पहला क्या इक्विटी शेयर कैपिटल चेक कर तेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 4 लाख है ना ठीक है तो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख सोर्सेस 12 लाख तो टोटल कितना हो गया 16 लाख ओन फंड 16 लाख yes, इस 16 लाख का 25% 16 लाख का 16 लाख आएगा और चेक कर डेप्ट फंड में क्या क्या दिया तेरे को डिबेंचर कितना दिया बेटा 6 लाख और टर्म लोन नहीं डिबेंचर 14 लाख है और 6 लाख आपका टर्म लोन है तो टोटल 20 लाख हो गया है ना तो 20 लाख का 50% तो 16 में से 10 गया कितना बचेगा 6 लाख अब क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया क्या बेटा नहीं तो इस स्टेप में डैश मार दो सिंपल सी बात है लिख के पूरा रखना है तो रखो कोई तकलीफ नहीं है पूरा स्टेप अब लिस्ट ऑफ द अबव मतलब 4 लाख यस और नो ऑफर प्राइस दिया है क्या क्वेश्चन में नहीं तो सर यहाँ पे ऑफर प्राइस अपने को निकालने बोला है यस और नो तो यहाँ पर आ गया नीचे ऑफर प्राइस बेटा ये रेसिप्रोकेट हो गया जो ऑफर प्राइस यहाँ पे डिवाइड में था वो डिवाइड नीचे चला गया और जो नंबर ऑफ शेयर नीचे था वो ऊपर आ जाएगा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना करेंगे सर देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है 40,000 बट 40,000 शेयर्स इनटू 25% बोले तो 10,000 शेयर आएंगे डिवाइड करो तो 40 रुपए आपका क्या हो गया ऑफर प्राइस बात समझ में आ रहा है बेटा ये 40,000 शेयर्स है क्या ये अपने शेयर्स है याद रखो 40,000 शेयर्स का 25% 10,000 डिवाइड किया तो कितना आएगा 40 रुपीज ऑफर प्राइस सर 10 रुपए मेरा फेस वैल्यू और 30 रुपए मेरा प्रीमियम है 10 रुपए मेरा फेस वैल्यू है 30 रुपए मेरा प्रीमियम है 10 रुपए मेरा फेस वैल्यू है और 30 रुपए मेरा प्रीमियम है अब 4 बायबैक की एंट्री मैंने बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सर 10,000 शेयर है 10,000 इंटू 10 1 लाख 10,000 इंटू 3 3 लाख टोटल कितना होगा सर 4 लाख ये 4 लाख है तो पेड भी कितना करेगा सर 4 लाख दिक्कत है क्या तो 2 एंट्री में तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है
पक्का है क्या? सर। बचा क्या? CRR और प्रीमियम। CRR और प्रीमियम चेक कर। CRR में कितना चाहिए? 1,00,000। तेरे पास तीन चार तरीका है। प्रॉफिट और लॉस में 1,00,000 है क्या? हाँ, तो 1,00,000 इस्तेमाल कर ले। सर मैं जनरल रिजर्व से करूँ तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR करेगा तो भी चलेगा। अब प्रीमियम कितना है सर? प्रीमियम है 3,00,000 रुपया। प्रीमियम कितना है? 3,00,000। तो चेक कर, तेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,00,000 ही है तो तू 2,00,000 ही इस्तेमाल कर सकता है। तो सर मुझे अभी भी कितना कम पड़ रहा है? 1,00,000। तो जिसका कोई नहीं वो जनरल रिजर्व या PNL दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर ले, चलेगा। जनरल रिजर्व लिखा तो भी चलेगा, PNL लिखा तो भी चलेगा। हो गया तेरा एंट्री खत्म, 4 एंट्री में तेरा काम तमाम। बात समझ में आ रहा है? हाँ है ना। अगर आप कंडीशनल टेबल ऑलरेडी बनाकर रखते हो तो ये आपको एक एडवांटेज दे सकता है। फॉर्मेट याद रहता है कि अभी तो ऐसा हो गया कि सोर्सेस ऑफ फंड मालूम है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम और कोई रिजर्व आएगा तो वो लिखो। सेकेंड आता है 25% ऑफ ओन फंड, इक्विटी प्रेफरेंस और सोर्सेस। इक्विटी प्रेफरेंस और सोर्सेस जो भी आएगा उसका 25% बाहर आ गया। तीसरा मिनिमम ओन फंड, मिनिमम ओन फंड, तो उसके लिए पहले ओन फंड माइनस 50% ऑफ डेब्ट। बेटा इस डेब्ट में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों आ जाते हैं, डिबेंचर, टर्म लोन, बैंक लोन, अनसिक्योर्ड लोन सब आ जाएगा। और ऑफर प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया तो डैश डैश मारो। लिस्ट ऑफ दिया हुआ था, तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 4,00,000। जो नीचे इम्परमिशिबल था वो ऊपर आ गया और जो ऑफर ऊपर था वो नीचे आ गया। अब नंबर ऑफ शेयर कितना सर? 40,000। 40,000 इंटू 25 क्या? तो 10,000 शेयर, दोनों का डिवाइड कर दो तो 40 रुपये आपका हो गया ऑफर प्राइस। इस 40 रुपये में 10 रुपये आपका फेस वैल्यू है, 30 रुपये आपका प्रीमियम है, तो पेड ऑफ वैल्यू कितना हो गया? 40। नंबर ऑफ शेयर 10,000 तो 10,000 इंटू 10 1,00,000। 10,000 इंटू 30 3,00,000, टोटल हो गया 40,00,000। क्लियर है? 40,00,000 रुपया आपका इक्विटी शेयर होल्डर है तो पेड भी कितना करोगे? 40। तो 4 एंट्री तो मैंने आपको वैसे ही बताया क्या करने का है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 2 एंट्री तो कंफर्म साइड में निकाल दो। अब 10,00,000 रुपए का अरेंजमेंट करने के लिए प्रॉफिट और लॉस चेक किया, 6,00,000 है, सॉरी 1,00,000 अरेंज करने के लिए प्रॉफिट और लॉस में 6,00,000 है, तो मैंने 1,00,000 अरेंज कर लिया। हो गया क्रिएशन ऑफ CRR, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर मैं जनरल रिजर्व से करूं चलेगा क्या? चल सकता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तीसरा प्रीमियम ऑन बायबैक 3,00,000 है तो मुझे 3,00,000 रुपए अरेंज करना है, तो उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से, हाँ है ना, तो 2,00,000 मेरे को चाहिए, 3,00,000, 2,00,000 मिल गया तो बचा कितना? 1,00,000। तो 1,00,000 में जनरल रिजर्व से भी ले सकता और PNL जो इधर से मन करे उधर से ले लो। 4 एंट्री खत्म। अब क्या करना है? आपको नोट शो अकाउंट्स भी बनाने बोला, जरा देखो कौन सा नोट शो अकाउंट्स बनाने बोला है। चेक करो कौन कौन सा नोट शो अकाउंट्स बनाने बोला है। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटा पहले चेक कर ऊपर बैलेंस शीट में ऑथोराइज कैपिटल दिया है क्या? हाँ सर। कितना? 1,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच, मतलब 10,00,000। उसको हाथ भी नहीं लगाने का। हाँ सर। नीचे इश्यूड में कितना दिया है? 40,000। उस 40,000 में से 10,000 तो चला गया तो बचा कितना? 30। तो 30,000 इंटू 10 3,00,000। यस सर। हो गया तेरा। अब रिजर्व एंड सरप्लस में टोटल 4 रिजर्व है अपने पास, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। पहला लिख सिक्योरिटी प्रीमियम। सर पहला सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 2,00,000। कुछ लाइन छोड़ा, नेक्स्ट आइटम लिखा जनरल रिजर्व, हाउ मच? 4,00,000। फिर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,00,000। क्लियर है क्या? अब जरा ध्यान दो, एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आया क्या? हाँ, कम हो गया क्योंकि डेबिट में है तो क्या होएगा? कम हो रहा है, मतलब माइनस, तो लेस
प्रीमियम ऑन बायबैक, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आज के बाद क्या हो गया सर? नील। जनरल रिजर्व आया क्या सर? देखो जनरल रिजर्व आया सर 1 लाख, डेबिट में आया मतलब माइनस प्रीमियम ऑन बायबैक 1 लाख, तो बचा कितना? 3 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख, डेबिट में मतलब लेस। क्रिएशन ऑफ सीआरआर, क्रिएशन ऑफ सीआरआर हाउ मच? तो बचा कितना? 5 लाख। और इन तीनों के अलावा एक और आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिडम्पशन रिजर्व हाउ मच? टेक द टोटल ऑफ ऑल, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ गया सर? 9 लाख। दिक्कत है क्या? अगर मान ले कैश बैंक भी बोलता तो, कैश बैंक का बैलेंस दिया क्या देख तेरे को? कितना? कितना? 7 और 2 9 लाख हो गया। दोनों कैश इन एंड कैश आउट बैंक दोनों लिखते 9 लाख माइनस 4 लाख, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5। कैश इन एंड का भी हो जाता, कैश इन कैश इक्विवेलेंट का भी हो जाता, इतना दिक्कत नहीं आता। क्लियर है क्या? डिफिकल्टी है क्या? जिसको अभी भी बायबैक में डिफिकल्टी है उसको सिर्फ 3 एडवाइस है। पहला, सम को 3 हिस्से में बांट। पहला, कंडीशनल टेबल फॉर्मेट पूरा एज इट इज कर, पूरा फॉर्मेट के अंदर जा फिल इन द ब्लैंक्स बना के रखने का, और उसके बाद सम करने के लिए बैठने का। ऑफर प्राइस दिया रहेगा तो पूरा लाइन से जाने का, ऑफर प्राइस नहीं दिया रहेगा तो ये चौथा स्टेप एडजस्ट मारने का, और लास्ट में जो नंबर ऑफ शेयर नीचे आता था उसको ऊपर, और जो ऑफर प्राइस ऊपर था उसको नीचे, यही होगा तेरा फंडा। ठीक है, उसके बाद क्या करने का? 4 एंट्री, सेकंड स्टेप आएगा आपका 4 जनरल एंट्री, 4 तो कंपलसरी है। उसके अलावा मैंने 2 ऊपर बताया, क्या कॉल आया तो क्या करने का? इन्वेस्टमेंट बेचा तो क्या करने का है ना, इशू किया तो क्या, वो आ गया तो, नहीं आया तो 4 तो करके ही आने का, 4 तो करके ही आने का। और उसके बाद क्या आता है? नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में भी सिर्फ 4, तीसरा टप्पा रहेगा तेरा नोट्स टू अकाउंट्स का, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, 3 टप्पा करने का, दैट्स इट। समझा? डिफिकल्टी है क्या?